बुलंदशहर दलित परिवार पर लाठी डंडों व धारदार हथियारों से दबंगों ने किया हमला, कई लोग घायल। यूपी के बुलंदशहर में दलित परिवार पर दबंग लोगों ने धारदार हथियारों से दलित परिवार पर हमला बोल दिया। हमले में दलित परिवार के आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला अनूपशहर कोतवाली क्षेत्र के बच्चीखेड़ा गाँव का है। स्वराज अपनी बेटी की शादी का सामान अनूपशहर से लेकर अपने गाँव में अपने घर के सामने उतार रहे थे, तभी पड़ोसी गाँव तोरई का रहने वाला दबंग युवक ने गाड़ी हटाने को लेकर विवाद उत्पन्न कर दिया। विवाद इतना बढ़ गया कि दबंग पक्ष के लोगों ने जाति सूचक शब्द व गाली गलौट शुरू कर दी, जान से मारने की धमकी देने लगे। कुछ ही देर बाद दो दर्जन दबंग लोग स्वराज के घर पर आकर लाठी डंडे व धारदार हथियारों से हमला बोल दिया। हमले में स्वराज के दो बेटे को लहूलुहान कर दिया। बढ़ते झगड़े को देखकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। दोनों पक्षों का ग्रामीणों ने बीच बचाव कराया। वही दलित परिवार ने डायल 112 को पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल अवस्था में स्वराज के दो बेटे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया तथा दोनों ही बेटों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। दलित परिवार ने अनूप शहर कोतवाली में दबंग लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है, परंतु अनूप शहर पुलिस दबंग लोगों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। वही दलित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने दबंग लोगों से साठ गांठ कर रखी है, जिसके चलते अभी तक हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। दबंग लोग जान से मारने की धमकी देते हुए खुलेआम घूम रहे हैं। इन दबंगों को सफेदपोश नेताओं का भी संरक्षण प्राप्त है, तभी तो कार्यवाही के नाम पर पुलिस कर रही है लिपापोत। अपनी टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीर देख रहे हैं। यह दलित परिवार स्वराज के दो बेटे हैं, दोनों ही बेटा जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। दलित परिवार पूरी तरह से दहशत के माहौल में है। पड़ोसी गांव के दबंग युवकों ने अभी भी जान से मारने की धमकी दी है, परंतु अनूप शहर पुलिस दबंग युवकों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। कुछ सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के दबाव के कारण पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही है, जिसके चलते राजनीतिक नेताओं ने फैसला का दबाव बना रहे हैं, परंतु दलित परिवार जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। पीड़ित स्वराज का कहना है कि अनूप शहर से मैं अपनी बेटी की शादी का सामान लेकर आ रहा था, इसी बीच रास्ते में दबंग युवकों ने गाड़ी हटाने को कहा। मैंने गाड़ी हटा दी थी, तभी दबंग युवकों ने मेरे घर पर आकर हमला बोल दिया। हमले में मेरे दो बेटे और दो पुत्रवधु गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, पर पुलिस दबंग युवकों से साठ गांठ कर अभी तक भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। तोताराम का कहना है कि दबंग युवकों ने धारदार हथियार के बल पर मेरे घर में घुसकर हमला बोल दिया। मेरे सिर में काफी गंभीर चोट आई है। पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की है। पुलिस ने दबंग युवकों से साठ गांठ कर रखी है, जिसके चलते अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। हम लोग बहुत गरीब है। पीड़ित ने SSP संतोष कुमार सिंह से फोन पर वार्तालाप की है। SSP ने तुरंत CO अतुल कुमार चौबे को जल्द से जल्द जांच कर दबंग लोगों के खिलाफ उचित कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। बुलंदशहर से इरशाद मालिक, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। कोई आपके यहाँ आपको झगड़ा हुआ था, क्या हुआ था? सर, हमारे बड़े जेठ हैं, उनकी लड़की की शादी थी। सामान लेकर आए थे गाड़ी में, तो सामान उतरा बुग्गी में, और ये आगे खड़ा था। इसने पहले हाथ किया, बोले ना भाई साइड जाते। इसने साइड नहीं दी, जब साइड नहीं दी उतार के गले मान पकड़ के इसने मार लगा दी हमारे घर वाले में। किन किन लोगों को मार लगा? मार तो हम 5-6 जने ही थे, और वो 70-80 आदमी थे। उनके सामने का हमारे 4-5 जने की कचल नहीं। अच्छा, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं, ने कहा अभी तो कुछ ही नहीं किया। क्षेत्र में किसी दलित परिवार के साथ मारपीट का मामला है, क्या हुआ? क्या दो तरफा मारपीट का प्रकरण मुकदमा दर्ज हुआ है दोनों तरफ से। एक व्यक्ति अपनी कार से आ रहा था, रास्ते में दलित समाज के कुछ लोग शादी का सामान आदि उतार रहे थे, उसने हॉर्न बजा दिया तो वो अकेला था, उसके साथ मारपीट की गई। इसके बाद वो अपने गांव वापस गया। वापस आने के बाद अपने साथ कुछ लोगों को ले आया, दोबारा मारपीट किया। दोनों की तरफ से अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, बहुत निष्पक्षतापूर्वक वैधानिक कार्रवाई की। क्या सर किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, और सर गिरफ्तारी किसी की हुई है? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। मुकदमे दोनों तरफ से दर्ज हैं, और अभी